धमतरी जिले में नेशनल हाईवे ग्राम डाडेसरा के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसमें सवार दो लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि रायपुर निवासी बंदन सिंह किसी काम से अपने घर में एक व्यक्ति के साथ धमतरी आ रहे थे और उस दौरान कार में अचानक आग लग गई। आग की लपट देखते ही चालक ने कार को रोका और कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलने पर कुरून पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर दमकल की टीम ने आग को बुझाया। वहीं पुलिस का कहना है कि कार सवार दोनों व्यक्ति सुरक्षित हैं। ये जो एक्सयूवी 300 है ऐसा बताया जा रहा है, आपको जल चुकी है इसको बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो बताया गया इस गाड़ी में जो थे मालिक बंदन सिंह वो रायपुर से धमतरी आ रहे थे, एक्सिस बैंक से संबंधित हैं, ये पुलिस जांच नहीं कर पाई है। तो रास्ते में चलते चल गाड़ी में ही उनका जो है सामने साथ सर्किट हुआ और सामने की ओर से मतगार्ड के पास से उनकी आग लगी है, उसके पश्चात में आग एकदम से बढ़ी तो ये लोग बाहर निकल गए। तो बाहर निकलने के बाद ऐसे निकले तो आग बहुत तेज हो गई, अभी फायर ब्रिगेड बुला करके आग को बुझाया गया है। इसके बाद जनहानि